अच्छा, आज ना हमने स्टार्ट करना प्रमोटेशन। ठीक है। हाँ, ठीक है। प्रमोटेशन क्या होता है ये आपको सिखाना है। तो टॉपिक का नाम है प्रमोटेशन। तो बेसिकली प्रमोटेशन क्या होता है, किसी भी नंबर्स को, एलिमेंट्स को, जो आप किसी तरीके से जो अरेंज करते हैं, क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज करते किसी ऑर्डर के तहत, इसे हम कहते हैं परमोटेशन। यानी परमोटेशन की डेफिनेशन लेकिन ये है कि एन ऑर्डरिंग, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, एन ऑर्डरिंग, एन ऑर्डरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ परमोटेशन। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में ना, आपकी क्लास में टोटल फॉर एग्जाम्पल 5 चेयर्स हैं, 5 चेयर्स हैं, और आप लोग 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स, यानी 5 चेयर्स हैं और 3 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो 3 स्टूडेंट्स हैं उन 5 चेयर्स पे किस कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है ना, वो फार्मूला होता है एन परमोटेशन आर। एन परमोटेशन आर होता है, या यूं लिखते हैं पी और एन आर यूं करके ना। तो एन परमोटेशन आर का मतलब ये होता है, या लिखते हैं एन परमोटेशन आर। एन होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे 5 चेयर्स है वो एन है, और आर यहाँ पे स्टूडेंट्स है। नहीं, देखिए यहाँ पर जो हम कहते हैं कि जो है ना, जो एन है वो आपके पास 5 चेयर्स है, और जो ए, ए, जो आर है वो आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं। अब बच्चे, जो एन परमोटेशन आर का जो फार्मूला होता है ना, ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये होता है एन परमोटेशन आर का फॉर्मूला, ना एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए, जब आप इसे लिखेंगे, यानी ये अब आपको मैं कह रहा हूँ कि आपने 3 स्टूडेंट्स को 5 चेयर्स पे कितने तरीकों से बिठा सकते हैं। ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे ये करेंगे कि देखिए 5 परमोटेशन 3, ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब देखिए होता है 5, 4, 3, 2, ठीक और डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 5, 4 दैट 20 और 20 3 दैट 60, तो 5 परमोटेशन 3 ये आपके पास आएगा 16। ये आप कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना, 5 चेयर्स के ऊपर 3 स्टूडेंट्स को 60 तरीकों से बिठा सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। जी सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखे, जैसे ये है ना, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि भाई देखे, जैसे ही आपके पास ये चेयर्स या C1, C2, C3, C4, C5 ये चेयर्स हैं, और स्टूडेंट्स जैसे आपके पास S1, S2, S3 हैं, तो पहले मैं इन 3 स्टूडेंट्स को C1, C2, C3 पे बिठा सकता हूँ। ऐसा ही है ना। जी सर। फिर इसके बाद मैं ये C1 के बजाय C2, C3, यानी मैंने इन 3 स्टूडेंट्स को C1, C2 और C3 पे बिठा सकता हूँ। एक ये मेथड हो सकता है। दूसरा, C1 के बजाय मैं देखे C2, C3 और C4 पे बिठा सकता हूँ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आप जो ना, 5 चेयर्स के ऊपर 3 स्टूडेंट्स को कितने मेथड से बिठा सकते हैं, 60 मेथड से। ठीक है। जी सर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये ऐसे हैं। अब देखिए, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता हूँ कि, जैसे मैं कहता हूँ कि 3 जो है ना अल्फाबेट्स हैं, यानी 5 अल्फाबेट्स हैं, A B C और D, A B C और D। ठीक जी है। तो मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि जो ABCD से टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, टोटल कितने वर्ड्स, सर। और मैं चाह रहा हूँ कि 3 के बनाना चाह रहा हूँ, कि मैं जो है ना ABCD है ना, कि ये ABCD है, मगर मैं कह रहा हूँ कि ये टोटल 4 वर्ड्स हैं, और मैं 3 अल्फाबेट्स के कितने वर्ड्स बना सकता हूँ। तो देखिए, टोटल तो आपके पास आ जाएगा
जो टोटल एन आपके पास आ जाएगा फोर, और मैं कहता हूँ कि तीन के थ्री लेटर्स के बनाना चाह रहा हूँ, वो मैं थ्री लेटर्स के आपके पास आर आ जाएगा थ्री। अब देखिए जब आप इसे लिखेंगे एन परमोटेशन आर इज इक्वल टू, देखें ये एन आपके पास फोर है ये थ्री है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे फोर फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल, ये आपके पास आ जाएगा, देखें ऊपर तो आ जाएगा फोर फैक्टोरियल फोर थ्री टू वन, और नीचे फोर में से थ्री का आ जाएगा वन फैक्टोरियल, वन ही होता है, तो देखें फोर थ्री द ट्वेल्व और ट्वेल्व टू द ट्वेंटी फोर। अब कहने का मतलब ये है कि आप इसके आप इसे तीन लेटर्स के ना चार में से तीन लेटर्स के चौबीस बना सकते हैं। देखिए जैसे आपको बताया ना कि आप एक फॉर एग्जांपल ये बना सकते हैं ए, यानी ए बी सी ये बनाया आपने, फिर आपने बना दिया ए सी डी बना दिया, फिर आपने बना दिया ए डी बी, इस तरह करके आपने ट्वेंटी फोर लेटर्स बना सकते हैं। देखिए फिर आपने बना दिया बी सी डी, आपने बना दिया बी डी सी, इस तरह करके। आई बात समझ में? यानी ये परम्यूटेशन क्या होता है बेसिकली कि नंबर्स को या एलिमेंट्स को अरेंज करना जो ना किसी ऑर्डर के तहत जो अरेंज करना होता है ना, ये कहलाता है परमोटेशन। ठीक है, ठीक है सर। और उसका फार्मूला ये होता है कि एन परमोटेशन आर, ये होता है एन परमोटेशन आर होता है और एन आर होता है। और इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि एन जो है ना हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर, एन जो है ना हमेशा आर के बराबर हो सकता है या आर से हमेशा बड़ा होगा। एन होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और आर उसमें आप जो एक टाइम पे लेते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? जी सर। ठीक है, ये होता है परमोटेशन एलिमेंट्स को अरेंज करने के मेथड को। ठीक है, अब देखिए जो उसकी आपकी एक्सरसाइज है ना, देखिए जो शुरू के क्वेश्चन है वो आसान से ही है। देखिए आप जो एक्सरसाइज आपके पास 7.2, देखिए पहले उनका अवेल्युएट ना, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर वन 20 परमोटेशन थ्री। ठीक है, तो अब पहले तो आप लिखेंगे फार्मूला, आपको याद जब आप लिखेंगे सॉल्यूशन में फार्मूला क्या होता है, यू नो दैट एन परमोटेशन आर होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे 20 परमोटेशन थ्री, यानी कहने का मतलब टोटल 20 एलिमेंट्स हैं, 20 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। और देखिए और ये कैलकुलेटर में भी है, कैलकुलेटर अगर आप साइंटिफिक निकाले ना तो देखें ये लिखा हुआ है 6 के ऊपर। जी सर। है साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास? जी सर है। अब देखिए पहले आप लिखेंगे 20 लिखा, फिर आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और फिर यहाँ ये 6 लिखा हुआ ये बटन दबा देंगे, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा एन परमोटेशन आर, और फिर आप लिखेंगे 3 तो ये डायरेक्ट भी आ जाएगा, देखिए 6840 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6840। अब वैसे अगर आप इसको करेंगे देखिए ये 20 फैक्टोरियल आएगा और फिर नीचे आ जाएगा देखिए 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 20 फैक्टोरियल देखिए क्या होता है आपके पास, देखिए 20 शिफ्ट और ये 18 17 16 ये आ जाएगा देखिए 20 और फिर 19 फिर 18 और फिर देखिए 20 में से 17 फैक्टोरियल, तो आप यहाँ 17 फैक्टोरियल तक कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 20 में से 3 का 17 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय 19 और मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये आपके पास आ जाएगा 6840। आप ये डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, 6840। बात आ गई समझ में? जी सर। देखिए पार्ट टू है 16 परमोटेशन 4, ये भी आप कर लेंगे, फिर 20 परमोटेशन 3 ये भी आप कर लेंगे, फिर 10 परमोटेशन 7 भी कर लेंगे, फिर 9 परमोटेशन 5 ये एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं, ये कर लेंगे ना आप? जी सर, वो कर लूंगा। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, असल में पता क्या वो लिंक पता क्यों नहीं हो रहा था, वो मैं बाद में देखा ना वो डेट इस पे गलत आ रही थी, जो थिंक पैड है ना जी सर, इसके ऊपर टाइम और डेट गलत आ रहा था, तो जब टाइम और डेट सेट किया तब वो फिर चला है। ठीक है, अच्छा अब देखें ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2 ना, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, अब हमें एन फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास है
एन परमोटेशन टू इज इक्वल टू 30। अच्छा बेटा देखिए अपना हमने यहाँ फाइंड करनी है एन की वैल्यू और आपका एन परमोटेशन टू है 30। देखिए जब आप लिखा कि एन परमोटेशन टू इज इक्वल टू 30 तो बच्चे देखिए एन परमोटेशन टू का मतलब ये ना कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस टू फैक्टोरियल ऐसा ही है ना। अब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए ऊपर एन फैक्टोरियल है नीचे एन माइनस टू फैक्टोरियल है तो आपको याद है ना हमने ये लिखा हुआ था पहले आपको बताया था कि देखिए जो एन फैक्टोरियल होता है ना एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन माइनस वन और जहाँ रोकना चाहिए आप रोक सकते हैं ठीक है। आपको के डिनोमिनेटर में एन माइनस टू फैक्टोरियल है तो इस वजह से मैंने एन फैक्टोरियल को लिखा आपने एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल। तो अब आप देखिए इसे यूं कर देंगे एन फैक्टोरियल को कर देंगे एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। अब बच्चे देखिए एन माइनस टू फैक्टोरियल से एन माइनस टू फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा और ऊपर आपके पास बच गया एन एन माइनस वन इज इक्वल टू 30। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन और 30 को भी यहाँ पर लेंगे लेफ्ट पे। अब हम एन की वैल्यू चाहिए इसके फैक्टर बना लेंगे तो फैक्टर क्या बनेंगे और सर इसके फैक्टर बनेंगे 29 एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन प्लस फाइव एन यही बनेगा ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना इन टर्म्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो आप इसका फैक्टर बन रहे हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो आप देखें यहाँ से पहले आप ले लेंगे एन कॉमन एन कॉमन ले लेंगे सिक्स और प्लस फाइव कॉमन एन माइनस सिक्स दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा एन माइनस सिक्स और एन प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। बेटा देखिए आप लिख लेंगे इधर एक आपके पास आ गया एन माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी सिक्स ठीक है और एन प्लस फाइव इक्वल टू जीरो और यहाँ से आ जाएगी एन की वैल्यू माइनस फाइव। अच्छा बेटा देखिए जो एन होता है ना ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ना या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे कभी नेगेटिव नहीं होंगे नहीं भैया एन नेगेटिव ऐसे देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आपके मैथ का 100 नंबर का पेपर है तो आप ये तो नहीं कहते कि आपके नंबर 100 में से माइनस 10 है। जी सर ऐसे हाँ तो एन होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना ये ऐसे ही होता देखिए जैसे आपको बताया ना कि फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे 11 टोटल प्लेयर्स हैं 11 प्लेयर्स हैं और आप जा रहे हो उसमें से 5 प्लेयर्स की टीमें बनाए क्या बनाए 5 प्लेयर की टीम आप 5 प्लेयर्स की टीमें बनाए तो प्लान तो वो फिर देखे जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी प्लेयर ले लिए फिर ये इस तरह करके ले लिए तो एन कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा और आर से कभी लेस भी नहीं होगा ठीक है। ये लिख लेंगे एन माइनस फाइव नॉट पॉसिबल मैं इन्हें लेट कर दूंगा तो therefore n आपके पास आ जाएगा 6 आपके पास आ जाएगा ठीक है क्लियर है या नहीं जी सर क्लियर है। अच्छा अब देखिए इसका सेकंड पार्ट इसमें भी आपने n फाइंड करना है सेकंड पार्ट है इसमें भी देखिए आपने n फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 ना कि 11 परमोटेशन n इज इक्वल टू 11 10 और 9 ठीक है 11 10 और नाइन है ठीक है। तो बेटा इसको भी देखिए हम क्या करेंगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे आपने लिखा कि 11 परमुटेशन n इज इक्वल टू 11 10 और 9 ठीक है। बेटा आप देखिए 11 परमुटेशन का क्या मतलब है परमुटेशन का मतलब है कि n माइनस 1 नहीं देखिए इसका नहीं 11 परमोटेशन ऊपर आ जाएगा 11 नॉट n फैक्टोरियल हो गया ना और नीचे क्या आ जाएगा 11 माइनस n आ जाएगा 11 माइनस 1 11 माइनस r ठीक है बात क्लियर है या नहीं जी सर ठीक है। और ऊपर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा इक्वल टू 11 10 और 9 ऐसा ही है ना। अच्छा बच्चे देखिए 11 फैक्टोरियल को हम यूं कर सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इनटू 8 फैक्टोरियल कर सकते हैं ना जी सर जी सर 11 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 10 और 9। अच्छा बच्चे देखिए जो 11 10 9 है राइट की ओर लेफ्ट की ओर मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड हुए तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे देखिए 11 10 और 9 ठीक है जी सर। देखिए ये आपके पास बच गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 आ गया। तो बच्चे देखिए 11 माइनस n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में हो रहा है डिवाइड लेफ्ट राइट पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 माइनस n फैक्टोरियल ठीक है ये आ गया। अच्छा बच्चे देखिए दोनों के राइट पे देखिए फैक्टोरियल है ना
अब ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल करते हैं, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल ठीक है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बच गया, 8 इज इक्वल टू 11 माइनस इलेवन एन। माइनस अब एन एन को लेफ्ट पे ले एन आते को सिर्फ ले जाएंगे उसका एट को इधर ले जाएंगे हैं, एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्लियर है कि नहीं? ठीक अच्छा बेटा, अभी इसका जो ये पार्ट देखिए, 3 थोड़ी सी मैं हिंट देता हूँ, फिर आपने ये खुद कर लेना, ठीक है। पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 जो है ना इसका, पार्ट 3 आपने एन की वैल्यू कम करनी है। देखिए लिखा हुआ है कि एन परमोटेशन 4, और दरम्यान में रेशियो है, दरम्यान में क्या है रेशियो, इशू और एन माइनस 1 परमोटेशन 3 है, इक्वल टू 9 रेशियो 1 है। तो करते हैं हम लोग इसको सॉल्व, एन परमोटेशन 4 रेशियो एन माइनस 1 परमोटेशन 3 इक्वल टू 9 रेशियो 1। अच्छा उम्र बेटा आपको याद होगा ना कि देखिए जो बेसिक जो रेशियो होता है ना, रेशियो का जैसे ए रेशियो बी है, इसको हम ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, यानी डिवाइड होता है रेशियो, डिवाइड रेशियो का होना मतलब क्या होता है जी सर डिवाइड होता है। अब हम लोग थोड़ी आसानी के लिए क्या करते हैं कि देखिए, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा ये क्वेश्चन को हम लिखते हैं, देखें एन परमोटेशन 4, यहाँ मैं दरमियान में रेशियो के बजाय डिवाइड लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ डिवाइड डिवाइड, थोड़ा आसान करने के लिए। और यहाँ देखिए एन परमोटेशन एन परमोट एन माइनस वन एन परमोटेशन एन एन माइनस वन परमोटेशन 3, और देखिए नाइन रेशो वन का मतलब क्या, 9 ओवर नाइन डिवाइडेड बाय एस। वन अच्छा बच्चे, अब आपको याद होगा जब डिवाइड चाहिए होती है मल्टीप्लाई में, उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, एन परमोटेशन 4 डिवाइड हो जाएगी मल्टीप्लाई में चाहिए, ठीक है। बल्कि देखिए पहले इसको मैं ना यूँ लिखता हूँ, देखें एक मिनट, थोड़ा आपकी आसानी के लिए। देखिए एन परमोटेशन 4 का मतलब ये ना कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 4 फैक्टोरियल, ऐसा ही है ना, जी सर डिवाइडेड बाय, देखिए एन एन परमोटेशन एन माइनस वन परमोटेशन 3 का मतलब ये है कि एन माइनस वन परमोटेशन, और डिवाइडेड बाय एन माइनस वन माइनस 3 फैक्टोरियल, जी सर ऐसा ही है ना, और 9 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा 9। तो बच्चे आप देखिए जो डिवाइड है, डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, जी सर डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, रेशियो में नहीं डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा ना। जी सर मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा एन हाँ माइनस शाबाश। वन और माइनस जो राइट वाला है वो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर तो में ये आ जाएगा देखिए एन फैक्टोरियल एन माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एन माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू। एन माइनस वन सॉरी अच्छा बेटा आप जी सर देखिए एन एन माइनस 4 फैक्टोरियल से एन माइनस 4 फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा, कट कैंसिल। हो जाएगा तो ये आपके जी पास सर बच जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। अच्छा आप देखो वो एन फैक्टोरियल का मतलब ये होता है ना, एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल है ना, जी सर और नीचे एन माइनस 1 फैक्टोरियल बी कैंसिल इज इक्वल टू एन इक्वल टू नाइन कैंसिल हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9, ठीक है सर आपका आंसर ठीक है, ठीक है। अच्छा जी अब बेटा देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये प्रूव क्या के प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल डेट ना, अब हमने इसको ना प्रूव करना है ना, जो नेक्स्ट है देखिए, एक पार्ट में कर देता हूँ, एक आप कर लीजिए आसान से, ये क्वेश्चन नंबर 3 के प्रूफ डेट, फर्स्ट पार्ट देखिए ये आपके पास है कि एन परमोटेशन आर इज इक्वल टू एन, और फिर आपके पास है एन माइनस 1 परमोटेशन आर माइनस 1। अच्छा उम्र देखिए इसमें अगर जो लेफ्ट पे एन परमोटेशन आर है ना, एन परमोटेशन आर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर जी सर फैक्टोरियल, ऐसा ही है ना। हम लोग जो राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को ये बनाएंगे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, अगर ये बन जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है एन माइनस 1 और आर माइनस 1, ठीक है, एन माइनस 1 परमोटेशन आर माइनस 1, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, देखिए पहले आपके पास आ जाएगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 और आर आर माइनस आर फैक्टोरियल माइनस 1 आर माइनस 1 और ये पूरा फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय एन माइनस माइनस आर 1, प्लस माइनस को वन मल्टीप्लाई प्लस 1, बेटा ये देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जी ये आपके पास आ जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल माइनस आर नीचे एन माइनस आर जी जी, आगे वो भी ठीक है, हाँ जी ठीक ये आपके पास आ गया, ठीक है। जी सर
ठीक है सर। नहीं, यहाँ पे ना शुरू में एन भी है यार, यहाँ पे एन भी था, क्या था, एन भी था ना यहाँ पे, यहाँ पे लेफ्ट में राइट में एन भी था। अब ये देखिए जो वो एन एन माइनस वन फैक्टोरियल है, देखिए ना ये जो आपके पास है एन एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, जी लग सकते ये आपके पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा एन परमुटेशन आर, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है सर। ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट आपने खुद कर लेना, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब देखिए बाबा ना ये क्वेश्चन नंबर है फोर, देखिए अब यहाँ से ना ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपने ध्यान से सीखना है समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या लिखा हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन। हाउ मैनी सिग्नल कैन बी गिवन बाय फाइव फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग थ्री फ्लैग्स एट अ टाइम। बच्चे देखिए टोटल आप पांच फ्लैग हैं और तीन फ्लैग के आप कितने सिग्नल दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए असल में क्या होता है कि जो देखिए जैसे देखिए टोटल फ्लैग जो है ना, देखे हैं टोटल फ्लैग्स कितने हैं, एंड टोटल फ्लैग्स हैं फाइव, ठीक है। और सिग्नल कितने नंबर्स के, कितने फ्लैग्स के देने हैं, सर देने ये फाइव फ्लैक्स के। जी नहीं टोटल फ्लैग्स पांच है ना, कहते हैं ठीक उन पांच में से तीन फ्लैग ठीक आपने सिग्नल एट देने। अ टाइम लेना। हाँ तो यहाँ लिखेंगे कि यानी यूजिंग थ्री फ्लैग एट अ टाइम, अभी आपको ना मैं क्वेश्चन को भी समझाता हूँ, यूजिंग थ्री फ्लैग्स एट अ टाइम मतलब ये आर थ्री है। लेकिन बच्चे देखिए कहने का मतलब देखिए ये है, ये फॉर एग्जाम्पल देखें जैसे फ्लैग है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ एक फ्लैग मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ब्लैक है, एक है वाइट, एक है ग्रीन, ठीक है, एक है येलो और एक है पिंक, ये कितने फ्लैग हो गए, पांच सर हो गए चार, हो गए ना। पांच अब हो गए, पांच हो गए जी। ये पांच में अच्छा से पांच। तो तीन फ्लैग के सिग्नल लेने हैं। देखिए असल में क्या होता है, देखिए जो असल जब अब तो बिल्कुल काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है ना, जैसे पहले बैरी जहाज या शिप्स वगैरह होते थे उनके ऊपर ना फ्लैग बने होते थे, तो जो शिप्स होते थे वो फ्लैग ना वेव करते थे, उन फ्लैग्स का ना मतलब होता है कि जैसे आपने ब्लू वेव किया उसका मतलब क्या है, व्हाइट वेव किया उसका मतलब क्या, ही नहीं ना वो असल में ना कम्युनिकेशन एक ब्रांच होती थी, उसे दूसरे शिप वाले ना वो समझ रहे कि इसका मतलब क्या है। जैसे ठीक है सर। कई दफा आप भी कोड वर्ड में इशारे करते हैं ना तो अगला बंदा समझ रहा है जी इसका जी जी मतलब क्या है। अब देखिए टोटल पांच फ्लैग है और तीन फ्लैग आपने एक एक टाइम पे तीन फ्लैग वेव करने, लेकिन फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे मैं देखिए एक ये कर सकता हूँ बी मैं अपना ब्लैक व्हाइट ग्रीन, एक सिग्नल ये हो सकता है ना, नहीं ये तीन का ये कम्बिनेशन हो सकता है ना, ये देखिए जैसे मैं अपना ब्लैक व्हाइट येलो कर दूं ये भी सिग्नल हो सकता है ना, जी सर। एक देखिए जैसे मैं कर दूं ब्लैक येलो और पिंक कर दूं, तो कहने का मतलब आप इस तरह के ना काफी बना सकते हैं, तो हम तो ये परमोटेशन से कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ हम इसको यूं करेंगे कि सिंस थ्री फ्लैग्स, थ्री थ्री फ्लैग्स सिग्नल एट अ टाइम, सिग्नल एट अ टाइम देयरफॉर देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेव्स, टोटल सिग्नल सिग्नल थ्री फ्लैग्स आप देंगे फाइव परमोटेशन थ्री, ये बात आई समझ में, जी ये टोटल पांच फ्लैग है और आपने एक टाइम पे तीन का कॉम्बिनेशन बनाना है, ये तीन फ्लैग एक एक साथ ठीक है। एन आपने, की जगह पे फाइव लिख देंगे और आर की जगह पे ये थ्री लिख देंगे। हाँ ये आर की जगह थ्री लिख देंगे और जी टोटल फाइव फ्लैग हैं और आपने हर दफा तीन फ्लैग का कॉम्बिनेशन बनाया, तीन फ्लैग वेव करने हैं, ठीक है। तो आप देखिए और फाइव परमोटेशन थ्री का मतलब ये ना फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए फाइव फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, फाइव फोर थ्री और टू फैक्टोरियल, फाइव में से थ्री का तो आ जाएगा टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल कैंसिल, फाइव फोर दैट ट्वेंटी और ट्वेंटी थ्री दैट सिक्सटी, तो सिक्सटी आप सिग्नल दे सकते हैं अगर पांच फ्लैग हो उसमें से अगर आपने तीन फ्लैग को वेव करना। देखिए जैसे आपको बताया ना ये रहा कि
ये ब्लैक वाइट ग्रीन है, ब्लैक वाइट येलो है, ब्लैक वाइट ब्लैक येलो पिंक है, फिर आप और बना ग्रीन येलो पिंक बना सकते हैं इस तरह की। नहीं आप शार्ट कर सकते हैं, शार्ट फिर सिग्नल्स को वेव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, सुनिए ठीक सर, ऊपर करें, मैं तो नोट कर लूँ थोड़ा सा, है, अगर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, मैं नोट कर लूँ सर। ठीक मतलब मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, ये ठीक है सर, ठीक है, है, वो रिकॉर्डिंग पे मैंने लगाई हुई है, तो आप सेंड कर दो, फिर आप आराम से देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा फिर देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिग्नल कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स। अब 6 फ्लैग के आपने जो है ना इन्हें सिग्नल करने हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग कैन बी यूज एट अ टाइम, यानी आप किसी भी फ्लैग को यूज कर सकते हैं, यानी कि एन की जगह पे 6 आ जाएगा। एन की जगह 6 आ जाएगा। मगर देखिए यहाँ पे तो आपने हर दफा कितने फ्लैग वेव कितने कितने फ्लैग यूज करने थे थ्री उसमें, आप कह आप उसमें कह रहे हैं कि जितने मर्जी फ्लैग यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे यानी कि एन एन की जगह पे एन दिखा रहेगा, आर की जगह पे। की जगह 6 ही रहेगा, पहले जब आप जी एक फ्लैग यूज करेंगे तो हो जाएगा 6 परमोटेशन 1, जी सर, जी तो 2 फ्लैग का कॉम्बिनेशन 6 परमोटेशन 2। आई बात समझ में? देखें जैसे सर, आपको मैं, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ ना, ये रहा सर यानी कि एनी की जगह पे क्या आएगा, एन आर की की जगह। जगह, एन की जगह 6, एनी की जगह पहले आप R1 लेंगे, फिर R2 लेंगे, फिर R3 लेंगे, फिर R4 ठीक लेंगे, ठीक है। अब सही है, देखिए जैसे मैं ये क्वेश्चन नंबर है ना, ये वही सर ना, देखें जैसे आपको मैंने थोड़ी हिंट दे देता हूँ, मतलब टोटल फ्लैग कितने हैं, 6। 6 है, ठीक है। सिंस एनी नंबर ऑफ फ्लैग, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, देयरफॉर, अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे कि व्हेन 1 फ्लैग इज यूज्ड, आर आ जाएगा 1। आगे ठीक बात समझ में? देखो टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी टोटल पहले आर वन, नंबर फिर ऑफ आर वेज, टू, फिर आर थ्री, फिर आर फोर, फिर आर टोटल फाइव, आर सिक्स, ऐसे नंबर ऑफ वेज याद है अपना, 6 परमोटेशन 1, 6 परमोटेशन 1, वन। ठीक है। तो 6 परमोटेशन 1 किसके बराबर होता है, ये आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, जी सर, वैसे 6 होता क्या होता है, ठीक सिक्स है। ऊपर आएगा ठीक है सर, सिक्स ऊपर आ जाएगा 6, विक्टोरियन। नीचे 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, वो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, कहने का मतलब ये देखिए, जैसे आपका ये फ्लैग है फॉर एग्जांपल, लेके जैसे ये मैंने बताया ना A B C D E F, ये 6 फ्लैग है। अब आप कह रहे हैं कि ठीक है सर, एक टाइम पे एक फ्लैग यूज करना है, तो पहले आप ए करेंगे एक दफा, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर डी करेंगे, फिर ई करेंगे, फिर एफ करेंगे। आई बात समझ में? जी ठीक है। अच्छा अब ये आ गया, जब एक फ्लैग है फिर आप लिखेंगे व्हेन 2 फ्लैग्स आर यूज्ड, आर इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी हाँ कि सर आर 6 को लेके जाना है हमने। 6 तक लेके, तो आर आ जाएगा 2, ठीक है सर, समझ गया, मैं कर लूंगा। टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 6 परमोटेशन 2, ठीक है। जी तो सर, 6 परमोटेशन 2 आप निकालेंगे, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, थ्री ठीक है। फिर आप लिखेंगे 3 फ्लैग्स, क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स। ये आपको आ जाएगा 6 परमोटेशन 3 निकालेंगे, ठीक है। तो जी सर, आप लिखेंगे कि सबवर्टिंग में ना, मैं 3 फ्लैग्स यूज, टोटल नंबर ऑफ वेज 6 परमोटेशन 3 आ जाएगा 120, ठीक है। फिर 4 फ्लैग्स क्या हो जाएगा, 6 परमोटेशन 4, 6 परमोटेशन 4 ये आपके पास आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा 360। फिर फिर 5 फ्लैग्स, ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा 720, क्या आ जाएगा 720। और फिर 6 फ्लैग्स आर यूज, तो ये 6 परमोटेशन 6, 6 के 6 यूज आप करेंगे, तो ये भी 720, कितना आएगा 720। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इन सबको ऐड कर देंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है। जब एक फ्लैग यूज किया था तो 6 आया था, ठीक है। फिर जब 2 यूज किए थे तो 30 आया था, 3 यूज किए थे तो 120 आया था, अच्छा 4 यूज किए तो 360 आया था, 5 यूज किए तो 720 आया था, और 6 यूज किए थे तो 720 आया था। इन सब को जब ऐड कर देंगे तो 1956, तो ये आपके पास आ गया, ठीक ठीक है। है कितने हम दे सकते हैं, क्वेश्चन जी सर, ठीक नंबर ना 7 है, क्वेश्चन नंबर सेवन। 46 है, क्या कह रहे हैं,
हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर्स इज टू बी रिपीटेड। ठीक है बच्चे, अब आपको क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म ऑफ द लेटर्स यूजिंग। अब आपको देखिए ये जो पहला प्लेन वर्ड है कितना प्लेन है, इसमें कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं, ट्रेन में 5 लेटर है। और आपको कहना है कि आपने तमाम वर्ड्स यूज करने हैं, तमाम लेटर्स यूज करने हैं, यानी कि एन की जगह 5 आ जाएगा, एन की जगह भी 5 है, आर की जगह पे भी 5 है, आर की जगह पे भी क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है सर, बाकी वो सेम। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग ऑल लेटर्स, क्या कह रहे यूजिंग ऑल लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6 लेटर्स है तो सारे 6 के 6 को यूज करना है। जी शाबाश, 6 का यूजिंग ऑल लेटर्स ना। ठीक है देखिए, आप जैसे आपके पास में क्या प्लेन है, पी एल ए एन ई, तो 5 है ना, तो टोटल लेटर्स है 5। ठीक है, तो ये एन आप एन आ जाएगा 5। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि 3 लेटर यूज करने, फिर आप आर 3 ले लेते हैं। ठीक है, जी सर, मींस ऑल लेटर्स आर यूज्ड, तो देयरफॉर आर आपके पास आ जाएगा 5, आर भी क्या आ जाएगा 5, और तो देयरफॉर बनेंगे 5 परमुटेशन 5, 5 परमुटेशन 5, तो 5 परमुटेशन 5 कितना आ जाता है, या इधर 120 क्या आ जाएगा, 120 कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं आप 5 फैक्टोरियल और सर, 5 वो पेपर में नहीं, आए तो क्या कैलकुलेटर से करेंगे कि पूरा करना है हमें डायरेक्ट आंसर लिखने के? ये अब ये स्टेटमेंट में लिखेंगे, बाकी ये डायरेक्ट कर देंगे कैलकुलेटर से, 5 परमुटेशन 5 120। ठीक है, ठीक है। तो फिर आगे ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट में बगैर कितने हैं, 6 लेटर है, फिर फास्टिंग है उसमें भी 6 लेटर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट 2, 3, 5, 7, 9 ओनली वंस। अब बच्चे देखिए टोटल लेंथ, ये टोटल आपने कितने टोटल डिजिट्स कितने हैं, सर टोटल है 5 6 हैं। दोबारा गिनो कितने हैं, एक ऑब्जेक्ट की, नहीं नहीं वो तो खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप। 7 जी सर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट, तो सर 5 है। 5 है, और कितने का कितने नंबर का डिजिट्स बनाना है आपने, 3 3 नंबर। हाँ तो एन 5 है और आर आ जाएगा 3। ठीक है सर। ठीक है, तो आप लिखेंगे पहले लिखेंगे टोटल डिजिट्स लिख देंगे एन इज इक्वल टू 5, और लिखेंगे सिंस 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म देयरफॉर आर आ जाएगा 3। ठीक है, ठीक है सर। टोटल टोटल 3 नंबर डिजिट्स फॉर्म इज इक्वल टू एन परमुटेशन 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है उमर, ये जो ना मैंने को थोड़ा एकेडमी जाना, बस यहीं तक देखते हैं, और बाकी अभी वो ठीक है सर। छोटी बहन को कहेंगे जो ना उन्होंने अगर कुछ पूछना है तो जल्दी से ना पूछ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।